दोस्तों, आप लोग का मेरे अपने और आपके अपने YouTube चैनल राइट कनेक्शन इरफान, मेरा नाम इरफान है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अपने चैनल पर ना आप लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। तो आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ व्हाट्सएप के बारे में। वैसे आपको मैं जो है ना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप वाले जो पहला फीचर बताया था उसमें अच्छा लाइक भी मिला है मुझे। तो आज एक और जो है ना मैं व्हाट्सएप के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, और परसेंटेज जो आदमी व्हाट्सएप चलाता है उसके साथ ये बहुत बड़ा समस्या होता। क्या है कि अगर कोई भी व्हाट्सएप पे आपको जो है मतलब कि मैसेज भेजता है, जैसे कि फोटो हुआ, वीडियो हुआ, ऑडियो हुआ, वो भेजता है और ऑटोमेटिक आप जब भी नेट ऑन करते हैं अब वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो सेव होने के बाद आपको पता भी नहीं चलता है और वो सेव भी हो जाता है और आपका MB खत्म भी हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ये तो ठीक नहीं ना हुआ, मतलब अब हमें चाहिए नहीं वो वीडियो। ठीक है, हम अपने मोबाइल में सेव नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो सेव हो जाता है। जैसे हम व्हाट्सएप पर जो कोई भेजता है, जैसे हम नेट ऑन करते हैं और अपना दूसरा काम में बिजी रहते हैं, उधर जो है ना सेव हो जाता है व्हाट्सएप पे। तो ये सबको देखते हुए, ठीक है, ये सबको देखते हुए एक बस सिंपल सा मतलब जो है ना इसमें फीचर है व्हाट्सएप पे, उसको क्या करना पड़ेगा, बस सिर्फ आपको जो है ना उसको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ऑन जो है ना हुआ रहता है तो उसको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद आपको जो है ना मतलब कि जो कोई व्हाट्सएप पे फोटो या वीडियो भेजेगा तो ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा, ऑटोमेटिक जो है ना वो सेव नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपका MB भी बचेगा और अपने MB को बचा सकते हैं और अच्छा से। तो ये बहुत सिंपल सा है, आइए मेरे साथ और मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा सेम आपको वैसे वैसे सेम करना है। ठीक है, करने के बाद आपका जो है MB बच जाएगा। ओके, बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो भी अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी अच्छा लगा लगेगा। ठीक है, तो आप जो है प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो ठीक है, नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर शेयर करते हैं तो किसी को जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये भी वीडियो अच्छा लगेगा और प्लीज हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। ओके, ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि वो कैसे होता और कैसे MB बचेगा और कैसे जो है ना बिना क्लिक किए हुए आपका जो वीडियो और फोटो जो ऑडियो जो डाउनलोड हो जाता ऑटोमेटिक वो अब नहीं होगा, वो कैसे होगा मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा, बस सेम आपको वैसे वैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने व्हाट्सएप में। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जाना होगा ऊपर जो तीन डॉट दिख रहा है, तीन डॉट ऊपर में। ठीक है, तो तीन डॉट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला जो तीन डॉट है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग दिख रहा होगा, सेटिंग में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको ये जो दिख रहा है जैसे कि ये डाटा एंड स्टोरेज, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसमें आपको क्लिक करना। ठीक है, तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ऊपर से आपको नेटवर्क यूज़ लिखा हुआ है, उसके बाद आपको स्टोरेज यूज़ लिखा हुआ है, उसके बाद वेन यूज़ मोबाइल डाटा जो लिखा हुआ है, मोबाइल डाटा बोले तो ये वाला जो आपको दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं चलिए क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास जो ये ऑप्शन आता है फ़ोटो ऑडियो वीडियो, ठीक है, तो ये आपका जो है ना जैसे ये ऐसे रहेगा, इनेबल किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको डिसनेबल कर देना, मतलब कि जितना मार्क लगा हुआ है सबको हटा देना। ठीक है, हटाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो ओके का बटन है ओके पर डन कर देना। अब यहाँ से क्या होगा, आपको जितना भी मैसेज आएगा या फिर मैसेज आया वो तो मैसेज होता है। ठीक है, जैसे कि फ़ोटो आया, वीडियो आया तो आप क्लिक नहीं करते, उसको डाउनलोड हो जाता है, तो उससे आप बच पाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। बेल आइकन जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो आता है घंटी टाइप का, उसको दबाना होगा आपको, और जो है ना मतलब कि हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसके लिए जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया, आप पूरा वीडियो मेरा देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ओके, बस यही था, सिंपल सा थॉट, और आप उम्मीद करता हूँ कि सीख गए होंगे। ओके, बाय।